शादी का भोग, ये सब चखे बिना मैं नहीं रह सकता। आजा मेरे हलवा पूरी बादाम पिस्ता काजू रोल, आजा मुझे चख लेने दे। अरे पापड़ को कैसे मिस कर दिया मैंने। अकेला खाएगा, अकेला अकेला, अभी मजा चखाता हूँ। क्या हुआ था कुडियर? अब तू भी असली मिर्ची का स्वाद चख ले पकीलो। ये ले। पानी! कहाँ गया? मर गए यार, थक्कू गड़बड़ हो गई। ओहो, तुम दोनों यहाँ पे शुरू हो गए? ओफो, सॉरी भूत बॉस। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। रुक जाओ। अरे भैया, ये शादी का केक है, आप इसे अभी नहीं खा सकते। कमाल है, तुम हमें देख सकती हो। ऑफ कोर्स, तभी तो आपको रोक पाई। अच्छा, तो बताओ हमें यहाँ क्या खाना चाहिए? वो रबड़ी समोसा है, यहाँ की सबसे स्पेशल मिठाई है। फिर तो हम भी इसे खाना चाहेंगे। ओके। अरे भूख हड़ताल पे हो क्या? कितना टेस्टी है ये, खाओ ना। क्या बात है बेटा, हमें बताओ ना, तुम हमें देख सकती हो, मतलब तुम्हें जरूर कोई परेशानी है, हमें बता दो। हमको और कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हम भूत हैं। अरे टेंशन नॉट, हम अच्छे भूत हैं, दुखी और परेशान बच्चों की मदद करते हैं। हाँ, तुम हमें अपनी परेशानी बताओ और देखना कैसे चुटकियों में हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। हाँ। मेरा नाम कुमारी है और अंकल, कुछ दिनों से मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ भी खा नहीं पा रही। डेंटिस्ट के पास जाने से डर लगता है, इसलिए मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई है। हेलो, बस इतनी सी बात? हम ऐसे डेंटिस्ट को जानते हैं जिसे तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और खाने को कड़वी गोलियां भी नहीं देगा, और उसके बाद आइसक्रीम भी देगा। वाओ, आइसक्रीम भी? सच? मुझ, चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं, वहीं पता चल पाएगा कि असल में मसला क्या है। ओके, चलिए मैं रेडी हूँ। बच्चों का दोस्त, मतलब हमारा दोस्त। हेलो, कैसे हो डॉक्टर केके? मस्त हूँ भूत बॉस। आज किसके दांत में दर्द है? नन्ही दोस्त कुमारी दांत के दर्द से परेशान है। आओ बेटा कुमारी, इस कुर्सी पर बैठो, देखे तो क्या मामला है। खुटकर, अब आ करो। कुछ खास दिख नहीं रहा, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी भूत बॉस। जरूर, क्यों नहीं कुमारी बेटा, चलो आंखें बंद करो और सो जाओ, अब हम अपने काम पर लगते हैं। अरे ये तो हाईवे जैसा है। अरे यहाँ कुछ खास दिखाई तो नहीं दे रहा। इस रूम के कोने कोने में देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। भूत बॉस, यहाँ इस तरफ, ये देखिए। ये क्या भूत बॉस? दांत का एक छोटा सा क्रैक, आओ देखते हैं इसके अंदर क्या है। Yeah!
अरे बाबा कितना गंडोगोल गान सुनाया है, इसको बदलो बाबू मशाल। यस मट्टू की चॉइस से गट्टू सर, अभी बदलता हूँ गाना। नहीं पिछली बार तूने ये पकाओ गाना लगाया था, अब मेरी बारी है। मेरी बारी है, मुझे सबक दिला। गट्टू बट्टू झगड़ा बंद, आज हमने 50 घंटा पूरा कर लिया है, अब यही हमारा घर होगा, क्योंकि कोई भी दुश्मन हमारे इस किला तक नहीं पहुंच सकता, हम यही राज करेगा। ये दांत हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब पार्टी चालू रखो। अभी इनकी पार्टी बंद करता हूँ। उड़ी बाबा दुश्मन आ रहा है, चलो सब छुप जाओ। डाम डाम डाम, चलो याद रखना इन सारे दांतों के कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ इस टंग पर लाना है, उसके बाद डॉक्टर के अपना जलवा दिखाएंगे। यस यस बॉस। बड़े आए हमें ढूंढने वाले, उन्हें क्या मालूम मेरा हाइडिंग प्लेस दांतों में नहीं जीप के नीचे है। जरूर इस जीप की दाल में कुछ काला है। इस कीड़े को काट के नहीं, इसे चाट के निकालूंगा। अब बच के कहाँ भागेगा कीड़े की छट्टी टांग। बहुत हंसी आ रही है क्या, ये ले बच के दिखा। बड़े आए मट्टू को पकड़ने वाले। अरे सड़े हुए बदबू, इसे कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट। One down, two to go. आजा बाहर, आजा आजा आजा, निकल जा मेरे कीड़े। ओले ले, ये आना, ये निकल मेरे कीड़े, निकल। ये ले चॉकलेट का, ये ले, ये खाना। ये, ये कीड़े आजा, आजा ना। अच्छा बच्चू, गिरगिट टाइप कलर चेंजिंग। सफेदी वाली क्रीम, अरे बहुत खुजली होती है इससे। देखा मेरी सफेदी का चमत्कार। सफेदी के बच्चे अभी बताता हूँ। टू डाउन वन टू गो। गंदे दांत के कीड़े बाहर निकल। कहाँ गया? पूरी बाबा ये कौन है? अपना मुंह मत छुपा, बाहर निकल और मेरा सामना कर। हाँ लगता है सीधी उंगली से कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा। मैं कहाँ हूँ? कट्टू मट्टू, उड़ी बाबा, कौन हो तुम लोग और हमें क्यों सता रहे हो? हम भूत हैं। भूत मुशाय, हम दांत के कीड़े हैं, किसी भूत से नहीं डरते। जानता हूँ, पर डेंटिस्ट से तो डरते हो ना? अब कीड़ों का टाइम खत्म, बोलो आ। कीड़ों का काम तमाम हो गया, अब तो सब ठीक है ना?
बिल्कुल भूत बॉस, अब ना कीड़े बचे हैं ना दांत का दर्द। कुमारी अब जो चाहे खा सकती है। थैंक यू डॉक्टर, मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। वाओ, थैंक यू भूत बॉस। अब चलो, शादी का शाही भोज हमारा इंतजार कर रहा है। वाओ, कितना स्वादिष्ट खाना है। अब तो किसी डेंटिस्ट के पास जाने से नहीं डरोगी ना कुमारी? बिल्कुल नहीं, और अपने दांतों की सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। ये हुई ना बात। आज दिन है सनी 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 और मूड है फनी फनी फनी। बादलों पर पिकनिक करने का मजा तो हम भूत लोग ही ले सकते हैं। डकार। एक वो बच्चे हैं नीचे जो खेल रहे हैं, और एक ये हैं बड़े जो बादलों पर भी बच्चों की तरह खेल रहे हैं। जरा देख के था केला, इस बार अगर तुमने चीटिंग की ना तो अच्छा नहीं होगा। उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, चीटर खोर पकेले। ये बात है। अरे ये क्या, बच गया। आज तो मेरा कासल टूट ही जाता। केला, आज तो तेरा मुरब्बा बना के दम लूंगा। अकेला सच्ची मैंने कुछ नहीं किया। नो, ये तो फिर शुरू हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया अकेला, सच्ची वो गिली अचानक। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा थकेला। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। अब तुम दोनों का क्या किया जाए? बॉस, इसने मेरा कासल तोड़ा है। नहीं बॉस, मैंने नहीं तोड़ा। ये क्या है? भूत बॉस, ये वही गिली है जो नीचे से आई और इसी गिली से पकेला का कासल टूटा। ये गिल्ली यहाँ तक कैसे पहुँची? जरूर कुछ गड़बड़ है। चलो इस गिल्ली को इसके असली डंडे असली मालिक तक पहुँचाते हैं। हे गिली गिली, कहाँ होगा इस गिल्ली का मालिक? वो मेरी गिल्ली है, प्लीज मुझे वापस कर दीजिए। तुम हमें देख सकते हो? आप लोग क्या आसमान से आए हो जो दिखाई नहीं दोगे? हाँ जी, हम आसमान से ही आए हैं और हम भूत हैं। डरो मत, हम सिर्फ दुखी बच्चों को ही दिखाई देते हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। तुम्हें जरूर किसी ने सताया है। अब बताओ कि ये इतनी ऊंची गिल्ली क्या तुमने मारी थी? मैंने नहीं, वो तो बंडिया ने मारी थी। बंडिया बहुत टैलेंटेड लगता है। टैलेंट से नहीं भैया, वो तो चीटिंग करके गिल्ली डंडे के सारे गेम्स जीत रहा है। आज जब मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था, तभी वहाँ बंडिया भास्कर आ गया। हो गया तेरे बच्चों वाला खेल, अब देख बड़े गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। हर गेम का बस एक ही विनर होता है राहुल, और वो विनर मैं हूँ। मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बंडिया भास्कर है गिल्ली डंडा मास्टर।
का शॉट इतना पावरफुल है कि गिल्ली बादलों के पार चली जाती है। हाँ? क्या शॉट मारा है बंडिया? ऐसा इम्पॉसिबल शॉट तुम मार कैसे लेते हो? ये सब मेरे डंडे का कमाल है दोस्त। मैंने इसमें कैसी मैग्नेटिक स्प्रिंग सेट की है जो किसी भी गिल्ली को आसमान में पहुंचा सकती है। तभी तो मैं कहता हूँ कि बंडिया भास्कर है गिल्ली डंडा मास्टर। बंडिया, तुम इस डंडे के जरिए चीटिंग करके गेम जीत रहे थे, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम मुझे सही और गलत सिखाओगे? मैं तो ऐसे ही सारी गेम्स जीता रहूंगा, तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो डंडे पर मैग्नेटिक रिंग लगाकर उसने चीटिंग की है ना? हाँ अंकल, तभी तो उसे कोई हरा नहीं पा रहा। ये तो बहुत गलत बात है भूत बॉस। हाँ बॉस, और इस चीटर बंडिया को सही गेम खेलना सिखाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, पर राहुल हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। उसे फिर से गिल्ली डंडा खेलने के लिए बुलाओ। ओके, डम डम डम, चलो खेलें गिल्ली डंडा। बंडिया फिर से वो डंडा घुमाओ ना। वाओ बंडिया, बंडिया भास्कर है गिल्ली डंडा मास्टर। हाँ बंडिया, एक और गेम हो जाए। क्यों, एक बार हार कर मजा नहीं आया? तो क्या है ना बंडिया, मेरी पूरी टीम तुम्हारे गिल्ली उड़ाने की ताकत से इतनी इम्प्रेस हो गई है ना कि सभी तुम्हें वापस खेलते हुए देखना चाहते हैं। सच्ची? हाँ बंडिया भास्कर। आखिर बंडिया भास्कर ही है गिल्ली डंडा मास्टर। ये तो फंस गया। ठीक है, अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो एक और गेम हो जाए। ओके, येलो गिल्ली। अब तू देख मेरा कमाल। अरे कहाँ गई गिल्ली? हाँ वो रही। ये कैसे हो सकता है? वाह, गुड कैच। क्या शॉट मारा है बंडिया, इतना ऊंचा तो गया लेकिन दूर नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, हम तुम्हें और खेलते देखना चाहते हैं। ये लो गिल्ली, फिर से ट्राई करो। अच्छा कैच। मजा आया ना? हाँ बिल्कुल। मेरी गिल्ली कैच की तूने? पकेला चलो। हाँ जी। मारना मारना, ये मारना, ये मार मुझे, ये कैच करके दिखा ना, ये मारना। बड़ा आया बंडिया भास्कर। जरूर कुछ गड़बड़ है, पर इन लोगों को पता नहीं ये किससे पंगा ले रहे हैं। मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि बंडिया भास्कर है गिल्ली डंडा मास्टर। अब देखना मेरे डंडे की सुपर पावर। अच्छा थकेला, दिखा दो उसे। यस बॉस। अरे मेरा डंडा हवा में कैसे अटक गया? ये डंडा तो अपना हवा में चल रहा है, कैसे? बंडिया भास्कर अब इसे कैच कर। आ मैं तेरी बाली बन जाऊं। बचाओ, कौन हो तुम लोग और मेरे साथ ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो तुम बाकियों के साथ अब तक करते आए हो। कौन है, सामने आओ। मैं भूतों का बॉस हूँ, भूत बॉस। भूत, भूत कहाँ से आ गए? और हम हैं भूत बॉस के असिस्टेंट। मैं थकेला। और मैं पकेला। और हम मिलके क्या करते हैं? हम तुम जैसे चीटर खिलाड़ियों को सुधारने का नेक काम करते हैं। अरे ये क्या, ये डंडा तो मेरे हाथ से चिपक गया।
भागो यहाँ से। डंडा बलून बन गया, बचाओ मुझे, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना। भूत बॉस अब वो वापस कैसे आएगा? उन्हें नीचे लाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। अब उस पे निशाना लगाओ। क्यों अब और दोगे चीटर के साथ? बचाओ! नो, बचा लिया। बंडिया भास्कर बन जा चीटी चास्कर। मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी चीटिंग नहीं करूंगा, प्लीज। ठीक है बंडिया मेरे दोस्त, चलो माफ किया। हम भी कभी चीटिंग नहीं करेंगे। सॉरी भूत बॉस। हमारी मुलाकात कभी भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भूत जी, मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, सॉरी। गेम चाहे गिल्ली डंडे का हो या कबड्डी का, रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आपकी बात मुझे पूरी तरह समझ आ गई भूत जी, अब मैं बंडिया भास्कर कभी नहीं बनूंगा गिल्ली डंडे का चीटिंग मास्टर। ये हुई ना बात। वाओ, बाय बाय भूत बॉस। थैंक यू, आपकी वजह से अब हम गिल्ली डंडे का असली मजा ले पाएंगे। अरे ये तो हमारा फर्ज था। ओके राहुल, अब हमें चलना चाहिए। अलविदा।